खातेगांव वन विभाग की टीम ने गीली सागौन लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। टीम ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खातेगांव वन विभाग को मुखबिर से सागौन लकड़ी के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए वन विभाग की टीम ने एक हरे रंग के ट्रैक्टर को रोका, जिसमें गीली सागौन के लट्ठे रखे हुए मिले। जब वाहन चालक से सागौन लकड़ी के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे तो वह कोई दस्तावेज नहीं दे पाया, जिसके बाद टीम ने बिना नंबर के ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित जब्त कर लिया, जिसे वन परिक्षेत्र कार्यालय खातेगांव लाया गया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज किया गया। लिली के आसपास के जंगलों में लगातार सूचना आ रही थी कि भाई कोई वाहन से जो है लकड़ी कटकर बाहर जा रही है। इस पर करीब एक डेढ़ महीने से जो है मुखबिरी लगाई जा रही थी और ऐसे में 2 और 3 सितंबर की रात्रि को स्टाफ को पूरा गश्ती पर भेजा गया, जिसमें रात्रि को 12-1 बजे एक ट्रैक्टर जॉन डियर आता हुआ दिखाई दिया। उसमें करीब 10-12-13 लकड़ी थी। उसको बांगड़दा के पास रोका गया, उससे पूछा गया कि भाई आपके पास जो है कोई वैध कागज हो तो दे हो। उसने दिए नहीं, इस पर जो है उसको जब्ती कर रेंज खातेगांव में लाया गया। धन्यवाद। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।